हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का BEd एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग कर रहे थे जनरल नॉलेज सेक्शन को। इससे पहले हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं जनरल नॉलेज सेक्शन के, और आज हम लोग इस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी कैपिटल ऑफ एंडमन एंड निकोबर आइलैंड इज़, हमें बताना है कि एंडमन और निकोबर आइलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, पोर्ट ब्लेयर, डीयू, कोलकाता या तिरुपति। तो हमें इसमें बताना है, तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर कैपिटल होती है एंडमन एंड निकोबर आइलैंड की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ़ दी फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सी हिल है जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करने का काम करती है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं इसके लिए भी, सतपुड़ा, विंध्या, नीलगिरी और अरावली। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो है नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स जो हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोक डांस इज रिलेटेड विथ, यानी उत्तर प्रदेश में जो चारकुला लोक नृत्य होता है वो किससे संबंधित है। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, रुहेलखंड क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से या अवध क्षेत्र से। हमें बताने किस रीजन से वो चीज़ रिलेट करती है। तो जो इसका आंसर है वो है ब्रज क्षेत्र से, यानी ब्रज रीजन से, ब्रज से कनेक्टेड है हमारा चारकुला फोक डांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वॉज प्रिसीडेड बाय, तो यहाँ पे हमें बताना है लखनऊ कांग्रेस जो हमारा सेशन था उसके अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में वो किया गया था, यानी अध्यक्ष कौन थे वहाँ के। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबिका चरण मजूमदार या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है अंबिका चरण मजूमदार। ये प्रेसिडेंट थी उस सेशन के लिए, क्योंकि जो भी हमारे कांग्रेस के सेशन थे उनमें हर सेशन में अलग अलग प्रेसिडेंट होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिहंद परियोजना कहाँ पर स्थित है, यानी रिहंद प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हमें ये बताना है। यहाँ पे हमारे पास चार हैं, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़ या सुल्तानपुर। तो बच्चों इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। रिहंद प्रोजेक्ट जो है, यानी रिहंद परियोजना जो है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। तो सोनभद्र इसका सही आंसर है, इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, ये किसने लिखा था ऐसा पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हु रोट। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, मोहम्मद इकबाल, काजी नजरुल इस्लाम ने या आनंद नारायण मुल्ला ने या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं उनको लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लिखा था, पर राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लिखा नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको गाया था। इसको लिखा था बिस्मिल असीमाबादी ने। ठीक है, बिस्मिल असीमाबादी ने इसको लिखा था और इसको गाया था रामप्रसाद बिस्मिल ने, क्योंकि बिस्मिल असीमाबादी यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो सेफ साइड हमें यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल लगाना होगा। पर लिखा इसको रामप्रसाद बिस्मिल ने नहीं था, उन्होंने सिर्फ इसको गाया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। द केमिकल दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज़, आर्टिफिशियल रेन जब करानी होती है तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है इनमें से, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड या सिल्वर क्लोराइड। हमें बताना है क्या ऑप्शन सबसे सही है। तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट आर इन, सबसे ज़्यादा माइका के जो डिपॉजिट्स हैं वो किस कंट्री में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा या इंडिया। तो इसका आंसर है इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन थी वो किसने इन्वेंट की थी। हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस, जेम्स चैडविक या लुइस पाश्चर। तो हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो बच्चों इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन
का श्रेय जो जाता है वो जाता है एडवर्ड जेनर को। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, और जो वैक्सीन का जो एक कंसेप्ट है वो एडवर्ड जेनर की वजह से ही आया था। तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर होना चाहिए था, नहीं है, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉट इज़ इट कॉल्ड वेन द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ बिलो 20 हर्ट्ज़। अगर जो साउंड की फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज़ है तो उस साउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस रेंज तक सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड होता है उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर द्वारा उत्पादित मुख्य अपशिष्ट क्या है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, बोथ ए एंड बी, या यूरिक एसिड। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जो है हमारा मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम कौन सा अंग करता है? इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, किडनी, लंग्स, ब्लड और यूरेटर। तो जो बच्चे साइंस वाले हैं वो आराम से इसको समझ जाएंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा लंग्स। लंग्स ही क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करती है बॉडी से, ठीक है। नेम दी ऑर्गन दैट मेकअप दी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये बायो से ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ऑप्शंस हैं टू किडनीज, टू यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने के लिए यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट वॉज गिवन बाय, यानी शिक्षा बिना बोझ के, ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी थी? चार ऑप्शंस हैं, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर डीएस कोठारी, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर रंगनाथन। तो हमें बताना है क्या ऑप्शन होगा इसका सही। इसका सही ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोबल पीस प्राइज़ 2018 वॉज गिवन टू, 2018 में नोबल पीस प्राइज़ किसे दिया गया था? चार ऑप्शन हैं हमारे पास, यहाँ पर डेनिस मुकवेगे एवं नादिया मुराद को, या फिर जेम्स पी अलीसन एंड टस्कू होजो को, या फिर आर्थर इस्किन को, या फिर फ्रांसिस एच आर्नल्ड को। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सबसे सही है, डेनिस मुकवेगे एंड नादिया मुराद, ये सबसे सही ऑप्शन है, मतलब इनको ही दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्जुन अवार्ड 2018 नीरज चोपड़ा इज़ एसोसिएटेड विद। बताना है कि अर्जुन अवार्ड जो 2018 में दिया गया था नीरज चोपड़ा को, तो वो नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? चार ऑप्शंस हैं, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स या रेसलिंग। तो नीरज चोपड़ा को तो आज हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक्स में। तो यहाँ पर उनका जो स्पोर्ट्स है वो क्या है? जेवलिन है। तो जेवलिन एथलेटिक्स में आता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एथलेटिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया इज़, इंडिया में डीपेस्ट रिवर वैली यानी सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? ऑप्शंस है ब्रह्मपुत्र, दामोदर, भागीरथी एवं अलकनंदा एंड गंगा। तो हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा, ये सबसे डीपेस्ट रिवर वैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि नेशनल एजुकेशन डे किसकी याद में मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर एच कबीर। तो जो इसका आंसर है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बर्थडे के दिन ही हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ऋषिकेश इज नोन एज, ऋषिकेश को कैसे जाना जाता है? सिटी ऑफ सेजेस यानी संतों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर, सिटी ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का शहर, सिटी ऑफ जॉय यानी प्रसन्नता का शहर। तो ऋषिकेश को जाना जाता है संतों के शहर से, यानी सिटी ऑफ सेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटमोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ, एंटमोलॉजी किससे संबंधित है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी जो मनुष्य है उनके स्वभाव से, कीट
कीट अध्ययन से यानी इंसेक्ट से, एनिमल से यानी जानवरों के अध्ययन से, या रॉक यानी चट्टानों के अध्ययन से? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के बारे में जाना जाता है एंटोमोलॉजी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया? किस शहर को सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो है बेंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीटी स्टैंड्स फॉर, एनसीटी का तात्पर्य क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एनरिचमेंट, नेशनल कमिटी फॉर टीचर एजुकेशन या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन? तो जो इसका सबसे सही आंसर है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड इज, उत्तराखंड है 25th स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत का 25वां राज्य, या भारत का 27वां राज्य, या भारत का 29वां राज्य, या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो इसका जो आंसर है वो है बी, 27th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी या पाली? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड की, वो हिंदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्टिकल 21 बिलोंग्स टू, आर्टिकल 21 जो है वो किससे बिलोंग करता है? मेरे पास चार ऑप्शन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 21 जो है बेसिकली वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट हो सकता है। वैसे जब हम आर्टिकल 21 को डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं क्या है वो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हर किसी को एक सुरक्षित ज़िंदगी जीने का हक है और आज़ादी है कि वो पर्सनली कुछ भी काम कर सके, अगर वो काम किसी को हार्म ना करता हो, तो किसी को गलत प्रभाव किसी के ऊपर ना डालता हो। तो ये आर्टिकल 21 है। तो आप डिसाइड कीजिए कि सबसे आसपास कौन सा ऑप्शन है इसका। मुझे लगता है कि ऑप्शन बी होना चाहिए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसका सबसे क्लोज मुझे लगता है। अगर आपको कोई और बेटर आंसर इसका पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वॉज पब्लिश्ड बाय, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था 2009 का, वो प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक मंत्रालय, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय? किसने इसको पब्लिश किया था? तो जो इसका आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इस, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती और कावरती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल्स हैं, तीन या चार कैपिटल्स हैं, जिसमें से कि हैदराबाद और अमरावती दोनों हैं। पर फिर भी अगर हम एक मेन कैपिटल की बात करें तो वो हैदराबाद है, तो इसलिए हम लोग आंध्र प्रदेश की कैपिटल में हैदराबाद ऑप्शन लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्ड ऑफ जूनो? तो जूनो, बर्ड ऑफ जूनो किसे कहा जाता है? ईगल, पिकॉक, आउल या स्पैरो? तो जो इसका आंसर है वो है पिकॉक। पिकॉक को हम बर्ड ऑफ जूनो के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे जीके सेक्शन के। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंग्लिश वाला सेशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।